please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस पे। मैं मौजूद आप पाजी, आप बहुत दूर चले जाते हो। जब आप दूर हमसे चले जाते हो ना, तब पाजी मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। पास रहा करो, मुद्दे बेहद संजीदा हैं। सड़क पे महिला को लोग पीटते रहे और दिल्ली तमाशबीन बनी रही। पाजी मुझे मालूम है आपको बहुत जरूरी काम से निकलना था, आपको कहीं जाना था, लेकिन क्या आंसुओं की कीमत, क्या लोग पीटते रहे आप तमाशबीन बने खड़े रहेंगे, यही मुद्दा है पाजी आज का, जिसको लेके आंसुओं की कीमत क्या है ये कोई नहीं बताना। मैं जानता हूँ एक तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक हिस्से में मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि पुरुषों को भी बुलाया जाना चाहिए, मीडिया बायस्ड है, ये मीडिया बायस्ड है लगती, क्योंकि वो पुरुष नहीं मौजूद हैं, वो लड़के नहीं मौजूद हैं, उनका हिस्सा नहीं मौजूद है। क्या उन्होंने ऐसा किया, क्या उन्होंने क्या बात थी, ये बात कही गई। लेकिन मैं एक बार फिर इसी सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। बेटे फिर क्या हुआ जब तुम्हें वो खींचने लगे? जब उन्होंने खींचने लगे तो हमें खींचने लगे तो पत्थर था हमारे बगल में पड़ा था, मैं वो पत्थर उनके शीशे पे मार दिया। जब उनके शीशे पे मैंने पत्थर मार दिया तो उन्होंने गाड़ी पर से उतर करके हमें फिर खींच रहे थे। तो जो खींच रहे थे, मैं एक बाइक वाला खड़ा था वहाँ पे, उसका मैं हाथ पैर पकड़ रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे। तो कह रहे नहीं हटो यहाँ से, मैं नहीं बचा सकता। मैं सोच रही ये डिलीवरी वाली औरत है, इसको अगर कुछ कहेंगे, कुछ वो करेंगे तो हमारे ऊपर सारा वो आएगा, प्रॉब्लम हमारे ऊपर आएगी। तो मैं अपने ऊपर सारा चीज़ ले ली, कुछ नहीं बोलते रहे। जब शीशे में जब उसका शीशा टूट गया तो इतने तेज हंगामा उसने रोड पे मचाए कि हमको गाड़ी से दौड़ा दौड़ा करके मारे लिए बोले इसको कुचल दो, इसको मार दो, जो भी जो होगा। शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, मैं आऊँगा आपके पास, बिल्कुल आऊँगा जी बरखा, मैं आऊँगा। लेकिन प्रीति कहना चाह रही थी कि मौका मिलना चाहिए पूरी बात कहने का। जी प्रीति, मैं आपको सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा करना चाहूँगा। जी कि मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि अगर हम में से कल किसी की माँ या बहन वहाँ पे होती और उनकी पिटाई हो रही होती, तो जो एक लड़का है जिसने वीडियो बनाया है, जिस वीडियो के बिना पे पुलिस उन लड़कों की छानबीन कर रही है और उन्होंने FIR दर्ज कराई है, क्या हम वही काम कर रहे होते आज? अगर हम में से जितने लोग खड़े हैं, सबसे पहले एवरीथिंग बिगिंस एट होम, क्योंकि अगर आप अपने घर में अपने बेटों को, पुरुषों को, बेटों को भी, बेटियों को भी, दोनों चीज़ें अगर आप नहीं सिखाएंगे तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी, समाज नहीं चल पाएगा, नंबर वन। नंबर टू, मैं जो सामाजिक कार्यकर्ता मैडम है उनसे बात से ताल्लुक रखती हूँ कि हाँ ठीक है, बेटों का भी पक्ष सुनना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी हुआ हो तो क्या चार लड़के एक महिला को सरेआम पीट सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले सकते हैं? क्या 100 नंबर पे पुलिस को फोन करना चाहिए था? क्या बात है प्रीति, बिल्कुल आई एम कमिंग टू यू। लेकिन एक बार मुझे बताइए, क्या आपने सुना कि चार लड़कियों ने पकड़ के किसी लड़के को कभी गाड़ी के अंदर खींचा है? जरा मुझे बताइएगा, खड़े हुए आप खड़े होंगे, मैं आपको, आपके मेहमान हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे तमाम केसेस हैं जिनमें लड़कियों ने मेट्रो स्टेशन में, रेलगाड़ियों में लड़कों को खूब पीटा और मीडिया ने उस केस को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मैं आपको हजारों ऐसे केसेस बता सकती हूँ, आप दिखाने वाले बनिए। मीडिया बायस है, मीडिया सिर्फ TRP गेन करना चाहती है लड़कियों के रोना धोना दिखा करके, क्योंकि लड़का रो नहीं सकता, उसका पक्ष आप दिखाएंगे नहीं। क्या आप अभी उन लड़कों को यहाँ पे ला सकते हैं, उनका पक्ष हम सुन सकते हैं? ऐसे तमाम केसेस हैं। आप मैं ऑफकोर्स आप जितने भी इल्ज़ाम देना चाहें, मेरे सर माथे आप मेहमान हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं इस देश में, तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ पे तमाम महिला भी खड़ी हैं, मैं जानना चाहता हूँ जो ये कह रही थी। जी कितना चलना सुरक्षित है जरा दिल्ली में बताया जाए? आज के टाइम में कहीं भी आप चले जाइए, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। मैं उन कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं जो शायद इसकी धीमी आवाज ना सुन पाए हो। चलिएगा किसी दिन मेरे साथ कस्बे में, मैं दिखाऊंगा, मूवी एक आने वाली है। अरे सुनिए, आप इल्जाम लगाएंगे कि सिर्फ बात भी सुनेंगी, सुनिए, ऑफकोर्स आपको बुलाया इसीलिए। बरखा जी, लड़की ने कहा कि मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, एक मूवी आने वाली है पैडमैन, और पीछे लड़के फप्तियां कसते हैं पैडमैन, ये नैतिकता है जहां मैं पहुंचा हुआ हूं। ऑफ कोर्स आइए, आपने जो कहा वो कुछ केसेस में बिल्कुल सही है कि लड़कों के साथ भी होता है कभी कभी ऐसा, पर मैक्सिमम ऐसा टाइम नहीं है। आप
एसी की गाड़ी में घूम रही है, दिन भर हाई फाई लाइफ में जी रही है, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह कभी रोड पे चल के देखिए, आपको पता चलेगा कि लड़कियों पे कितने चीप कमेंट्स किए जाते हैं, उनकी अपीयरेंस पे, उनकी फिगर पे, हर चीज़ पे कमेंट किए जाते हैं, लड़के इतने गंदे गंदे गाने गाते हैं उनके ऊपर, सिगरेट स्मोक करते हैं, इतनी चीप चीज़ें होती हैं हमारी कंट्री में, एंड आई फील वेरी अशेम्ड कि हम एक इंसान हो के कितना गलत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जी हम एक आई एम अशेम्ड ऑफ कोर्स गर्ग साहब। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो इनके साथ हुआ है उसी के लिए हमारी सरकार अभी एंटी स्टॉकिंग बिल लेके आई है कि जो लड़के महिलाओं का पीछा करते हैं उनको इमीडिएट गिरफ्तार किया जाएगा। उसके अलावा दिल्ली पुलिस में 66,000 भर्तियां जो वैकेंट है उसको क्यों नहीं रिफॉर्म करते हैं वो? कई बार हमारे मुख्यमंत्री ने कई बार हमारे क्या लड़कियों को भी जेल भेजा जाएगा जो लड़कों के पीछे जाती है? मैं ऐसी अनगिनत लड़कियों को जानती हूँ, क्या उन्हें भेजा जाएगा जेल? मुझे इस आर्गुमेंट से दिक्कत है, वो इसलिए दिक्कत है क्योंकि लड़कियों का सदियों से शोषण और उत्पीड़न होता आया है। देखिए मुद्दा इतना गंभीर है आप लड़कों को लीवे दे के उनसे तालियां पिटवा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो उत्पीड़ित है, यहाँ पे दो लड़कियों के आंसू आपको नजर नहीं आ रहे? आपको इन लड़कों की पड़ी हुई है कि नहीं, हमें लड़कों की भी पड़ी है। आई डोंट केयर अबाउट द बॉयज। लेकिन अभी एक सर्वे कराइए, आपके शो पे सर्वे कराइए, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी उम्र की हो, हाथ खड़े करवाइए कि किस किसने उत्पीड़न, किस किसने सेक्सुअल अब्यूज अपनी जिंदगी में सहा है। सारी महिलाएं अपना हाथ उठाएंगी और लड़कों से हाथ खड़े करवाइए अगर ईमानदारी से वो लोग अपना हाथ खड़ा करें तो। मैं लड़कों या लड़कियों से हाथ नहीं, मैं यहाँ पे जितने मर्द खड़े हैं उनसे कहूंगा तो सबके सब उठा देंगे, क्योंकि यही होता आ रहा है। ऑफ कोर्स आई विल कम। जी पाड़िया साहब, मुद्दा बहुत स्पष्ट है। आज का मुद्दा यह है कि जो हमारे दिल्ली शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में घटनाएं ऐसी होती हैं कि लड़कियों को उठाया जाता है, कोशिश की जाती है उन्हें उठाने की, मारने की, और सड़क पे आवाम तमाशा देख रहा होता है, ये बहुत शर्मनाक हरकत है जो हम लोग करते हैं, जो हमारे भाई करते हैं, जो वो व्यभिचारी करते हैं। लेकिन उससे भी शर्मनाक ये है कि आवाम देखता रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आवाम दुरुस्त होगा, आवाम चुस्त होगा, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं चुस्त होगा। और प्रशासन की बात पर अगर बात आएँ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली चला रही है, देश में बीजेपी सरकार चला रही है, इसके बावजूद भी कानून का डर किसी को नहीं है, कोई डर नहीं है कानून। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि वो बिल लेकर आ रहे हैं, वो बिल लाए हैं, इसीलिए पिछले तीन साल के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने पिछले तीन साल के अंदर एलजी से गृह मंत्री के पास कितने बार प्रस्ताव भेजा है कि आप दिल्ली पुलिस को रिफॉर्म करें, दिल्ली पुलिस जो वीआईपी सुरक्षा में इतने जो गार्ड लगाए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के लोग लगाए हुए हैं। एक मिनट मैडम, 66,000, अरे आप अपनी बात मत कीजिए, आज जितने भी रेप हुए सब में बीजेपी के मंत्रियों के नाम है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम है। आज लोगों ने घरों के बाहर नेम प्लेट लगानी शुरू कर दी है कि हमारे घर में बहन बेटियां हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पोस्टरबाजी नहीं, वाला पार्टी चीफ सेक्रेटरी को रात को 12 बजे मारने वाली, दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी लेने वाली, इनके सारे मंत्री, इनके सारे लीडर सिक्योर है। इन्होंने इलेक्शन में कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज एक एक इनके लीडर जी क्यों नहीं लगवाए दिल्ली में? पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, पता लग जाता कौन क्या कर रहा है। कैमरे का वादा था। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग प्रेरणा, प्लीज आराम से। दिल्ली पुलिस इनके अंडर नहीं है, उसके लिए ये सबको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, मगर इन्होंने होम गार्ड्स, मार्शल्स लगाने का जो वादा किया था, कितनी बसों में मार्शल्स लगे हैं बताएं जरा, क्या उसके लिए भी इनको सब लोग रोक रहे हैं? क्या उसके लिए भी इनको एलजी रोक रहे हैं? ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते और हर चीज के लिए आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। महिलाओं के कॉस्ट पे, महिलाओं की इज्जत के कॉस्ट पे कब तक राजनीति होती रहेगी? आपकी इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट कर देता हूँ, लगभग 2,500 बसेस के अंदर ऑलरेडी मार्शल लग चुके हैं, और उसके अलावा जो हमारी मार्शल की फाइल है एलजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। दिल्ली में एक लाशव आपने पैदा किया हुआ है, वो सारे कामों की फाइल रोक के वहाँ। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने कैसे काम चलाया, आप क्यों नहीं सीख पाए वो आर्ट, शासन कैसे चलाया जाता है ये आप आर्ट क्यों नहीं सीख पाए? जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आज से ज्यादा थी उस टाइम भी, आप तो मेरे से ही मार्क छीन लेंगे। पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा दिल्ली में क्राइम बढ़ा है, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से
पिछले 3 सालों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, ये मैं नहीं कहती, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, डेटा। देखिए मैं ऐसा है प्रतीक जी कि अब कांग्रेस की सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर ही दिल्ली में गई थी, वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी के सामने, लेकिन इस समय मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और यहां खड़े हुए देश और देश के बाहर जो लोग सुन रहे उनके लिए है कि किसी के साथ भी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी के साथ भी अपराध हो रहा होता है, गुंडे बदमाश करते हैं, तो हमारा समाज आखिर मूक दर्शक होकर या आंख मूंद के वहां से क्यों भाग जाता है? दरअसल आज का इशू ये है आपका, और ये बड़ा इशू होता है। ये जो कह रहे थे ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है, इसके कारणों में जाने की जरूरत है, क्योंकि महानगर की जो जिंदगी है इसमें व्यक्ति अपने को अकेला पाता है। जैसे जैसे गांवों से बाकी जगह से पलायन होता है, मनुष्य अपने को अकेला पाता है। यहाँ लोग सोचते हैं कि हम भी रहेंगे तो हम पर नौबत आ जाएगी, कौन देखेगा? तो ये चीजें दूर करने की जरूरत है। दूसरी बात, मैंने हमेशा कहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न ज्यादा बड़ा है। ये सामाजिक इसलिए है कि समाज में जो पहले समाज, जब परिवार महत्वपूर्ण था, संयुक्त परिवार थे, गांव होते थे तो आंखों में पानी था, आपके अंदर एक नैतिकता का भाव पैदा किया जाता था, वो चीजें टूटी हैं, तो उस सब को देखने की जरूरत है कि शहरों में महानगरों की आज की जिंदगी में समाज की सामूहिकता कैसे हो, कैसे उनको लाया जाए। एक चीज पूछा जाए बेटा, जब वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसमें कोई भी शख्स आया? सर जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो एक आदमी बैग लेके शुरू से आखिरी तक का उसने खड़ा था, वो तमाशा देख रहा था, वीडियो बना रहा था, तो वीडियो जब बन गया, जब पूरा हो गया तो उसने जब हमारा मोबाइल छीन लिया तो हमने पुलिस को फ़ोन कर ही नहीं पाए, हमको तो मारते रहा पीटते रहा, और जब सारे लोग देख रहे थे उसमें एक गार्ड था, उसने बचा रहा था हमें, तो उसको गार्ड को भी उसने पीटा है जी। हाँ जी, गार्ड को भी। तमाशबीन जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि हम खड़े तमाशा, एक आदमी आ जाता ना तो उसके साथ ज्यादा लोग चले आते, ये भी एक समस्या है कि पहल कौन करे, तो ये एक समस्या आती है ना। ये जो मैडम कह रही है, देखिए ये एक विषय है पॉक्सो में, महिला सुरक्षा में इस समय उसके मिसयूज हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की भी टिप्पणी है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, पुरुष उनके साथ करते हैं, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, नहीं नकारा जा सकता, ऑफ कोर्स जी जी। आप लोग सब लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं आपको कल का वाक्य बताती हूँ, करौल बाग का। आप आवाम की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले को बोला एक किसी ने कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। एक लड़की आई थी बोलने कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, प्लीज देखिए किसने चोरी किया है। उस पुलिस वाले ने बोला मेरे पर सेक्सुअल केस दर्ज हो जाएगा, मोलेस्टेशन का, मैं इस भीड़ के बीच में कैसे जाऊं? बताइए आवाम में से कौन आएगा, किसको चाहिए ये? मैं नहीं जानता ऐसा पुलिस वाला कौन था, लेकिन हाँ ठीक है, वो पुलिस वाले एक्शन लेते हैं या बात करते हैं जी। प्रतीक जी, यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा तीनों से लोग हैं, सारे नेता खड़े हैं। 70 साल से कांग्रेस से वुमन रिजर्वेशन बिल पास क्यों नहीं हुआ? 4 साल से भाजपा है, वुमन रिजर्वेशन बिल पास क्यों नहीं हुआ? क्या कर रहे हैं? 2020 में चुनाव होना है दिल्ली का भी और देश का भी, इसलिए सारे जितने चीजें हैं, जितने इनके बिल्स हैं, सब इनको याद आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल ये है कि एक इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सर्वे के हिसाब से दिल्ली सबसे अनसेफ स्टेट है, तो देश के घेरे में ये तीनों जितनी राजनीतिक दल है ना, तीनों ये समाज के घेरे में। दिल्ली के बारे में ही कह रहे हैं हम, तो हमेशा यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम तो गृह मंत्री, सुनिए, आपसे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, जवाबदेही की बात कर रहा हूँ कि जवाबदेही दिल्ली के अंदर तय होनी चाहिए, और उसके लिए एलजी या दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी ये 66,000 भर्तियां खाली हैं। हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है कि भाई आप दिल्ली पुलिस के कर्मी क्यों नहीं भर रहे हैं? ये पॉइंट आपका वैलिड पॉइंट है, आई एग्री। हमने इनको, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने इनको इसलिए नहीं चुना है कि चीफ मिनिस्टर और एलजी रोज झगड़ा करे, हमने अपना मूल्यवान वोट इनको इसलिए दिया था कि हमारी सुरक्षा करे, हमारी सुरक्षा से ज्यादा इनको आपस की लड़ाई का काम है। मैं कार्यकर्ताओं को बताना एक चीज चाहूंगा कि सुरक्षा की व्यवस्था इस तरह की है कि मैं एक मिडिल क्लास का हूं, मैं भी वर्किंग हूं, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, हम एक कार अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उसको कहता हूं अफोर्ड करने के लिए कि तुम लेके जाओ, इसलिए कि हमारी दिल्ली और हमारा एनसीआर सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं ना करके वो यूज करती है वो कार, सुरक्षा की स्थिति ये है जी। बहरहाल मीडिया तो सबसे खराब चीज है मैडम, मीडिया ने
बहरहाल आज आपकी आवाज देश में गूंज रही है, यही मीडिया में। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद कैनॉट प्लेस में। ये बात सच है कि आज जनता की बात रह गई, लेकिन मुद्दा इतना संवेदनशील था, महिला के साथ मारपीट और तमाशबीन बनी रही जनता। जी बिल्कुल, शॉर्ट शॉर्ट बोलिएगा, बहुत जल्दी जल्दी जी। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो मैडम ने भी बोला, एक महिला होकर वो महिला पे ही सवाल खड़े कर रही हैं। अभी मैंने कल पेपर में पढ़ा था, पेपर हिंदी पेपर था, इसमें 6 महीने एक बच्चे के साथ एक 60 साल का रिक्शा चालक ने बलात्कार किया। क्या उस बच्चे के लिए भी यही सवाल बोलेंगे जो इनके लिए बोल रही थी? क्या वो ड्रामा कर रही हैं? क्या वो एक्टिंग करती हैं? क्या वो एक्टर हैं? नाटक में सीरियल में काम करते हुए जो रो रही थी, इससे नहीं पता चल रहा क्या उनके साथ ऐसी बीती होगी? एक महिला होकर ऐसा उनके साथ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक लड़का हूँ लेकिन फिर भी मैं एक महिला का सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ गलत हुआ। जी जी, छेड़छाड़ का सबसे मेन कारण पुलिस विभाग है। अगर पुलिस विभाग सख्ती से काम करे बिल्कुल, तो ये छेड़छाड़ का रेशो बहुत कम होगा। ये काम करती है आपके मीडिया, आपके चैनल के द्वारा काम करती है। राजनेताओं का काम है सिर्फ वोट मांगना। जो पैसा 1 करोड़ लगाता है वो पहले अपना पैसा कमाता है, अपनी जेब में भरता है, फिर वो आगे आता है। ये भूल जाते हैं पब्लिक क्या हो रहा है क्या नहीं है। जो गाड़ी में जहाँ से निकलता है उसको क्या पता दाएं बाएं क्या हो रहा है। आप हो तो सभी आए हैं, अगर आप ना होते तो ये घर से कोई नहीं निकलता। जी, सवाल ये है कि 60 साल के एक रिक्शा चालक ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, क्या वो नाटक था? जी जी जनाब। जनाब ये जो महिलाओं का जो कि अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, ये अत्याचार तो हो ही रहा है, लेकिन इसके पीछे ये जो मेल कम्युनिटी है उसको, उसके ऊपर भी आरोप किया जा रहा है कि वो खड़े देखते रहे, कुछ नहीं, तमाशाबीन रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। अगर वो लोग निकल के कुछ करते भी हैं तो पुलिस प्रशासन इतना क्रूअल है। मैं बताऊं आपसे, हाँ जी। मुझे बताया, अभी सुरेंद्र जी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि ये कर सकते थे। आपकी बात है कि हमको डर लगता है, हमें भी डर लगता है, उस गुंडे से लड़ने में डर नहीं लगता। आप अभी पुलिस से लड़ने में डर है, वो हमें ही फंसा देगी उसके अंदर जी, उनको छोड़ देगी। लेकिन सुरेंद्र जी ने मुझे मैसेज किया, कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि कम से कम 100 नंबर पे हम फोन तो कर सकते हैं अगर हम नहीं लड़ सकते। बहरहाल हमको अपने कानून पर विश्वास करना पड़ेगा। जी जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक बच्ची को गाजीपुर से उठा के गाजियाबाद में रेप कर दिया जाता है, और हमारी दिल्ली के जो मनोज तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, एक मिनट, और महेश गिरी वहाँ जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और कैंडल करते हैं, ये किससे मांगते हैं? आप बताइए, यहाँ पे मौजूद सब पुरुषों की एक बात। समस्या राजनीति की मत नहीं, ये मुद्दे को सुधारो, उलझाओ मत। आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि सरकार बीजेपी की, पुलिस बीजेपी की, सारी बीजेपी की, तो कम से कम बीजेपी से आपको ये सीख लेना चाहिए कि वो अपने सरकार के वजूद वो विरोध कर रहा है। ये आप कहा थे जब कठुआ का केस हुआ, तो आप रोड पे आ गए, रात में रोड, जब देश की, अंत में यहाँ सारे आदमी लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं, मैं उनसे केवल उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगी, उन लोगों के लिए जो सामने नहीं आए इन लड़कियों को बचाने के लिए, कि मजरूह लिख रहे थे अहले वफा का नाम, और हम भी खड़े हुए थे गुनहगार की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस देश की महिलाओं के लिए उपवास करें, इस देश की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उपवास करें। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। कम से कम अगर उपवास नहीं, फास्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ ऐसा करें कि 100 नंबर को कॉल करें, बुलाएं, आगे आए, कम से कम डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ? पीस ऑफ इंडिया ऐसी शर्मनाक घटनाओं की घोर निंदा करता है, साथ ही साथ अपने आवाम से अपील करता है कि ऐसे मामलों में आगे चलकर आए और बचाव करें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा प्रतीक जी, इस वजह माध्यम के कि इन महिलाओं की जो पीड़ित महिला है, पीस ऑफ इंडिया हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर है, ये हमारा वादा है। शुक्रिया। लास्ट मोमेंट, लास्ट यही है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सबका कर्तव्य है कि अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता है, अपराध देखते रहना भी अपराध है। जी, तो उससे हम बाहर निकले। तो आज अभी सिर्फ इतना मुझे मालूम है, तालियां बजाते हैं आप, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप संजीदा होंगे। मुझे मालूम है बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हुई है, मुझे मालूम है आपकी आंखों में पानी रहता है,
15 सालों कितने साल 4 सालों से आप डेढ़ साल 4 साल और 6 महीने हो गए सर जी। मुझे मालूम है आप एक एक दिन गिन रहे हैं, अपने पिता को खोज रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी आएंगे। लेकिन हाँ, बैंगलोर में सोमवार को बात होगी भैया जी कहीं में, और 16 तारीख तक वहीं। आज इतना ही।